बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस YouTube चैनल जो कि DDP एनालिटिका है, इसके देखने वाले नाज़रीन, उनको जब मैंने एक वीलॉग में 71 की जंग के पहले 3 दिन की रुदात बताई, तो बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम चाहते हैं कि हम खुद आपके सामने आके बैठ के तो ऐसी चीज़ें डिस्कस करें, आपसे बात हालात सुने। मेरी तरफ से तो सब वेलकम, जो भी आना चाहे। मैं चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो वो सौ बिस्मिल्लाह, कोई भी आना चाहे मेरे सर आँखों पे। लेकिन चूँकि सब आ नहीं सकते, बहुत सारे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बात सुनना चाहते हैं, तो 71 की जंग का एक और छोटा सा तजर्बा जो मैंने अगले 3-4 दिन की जंग देखी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि हमारे साथ जो बंगाली ऑफिसर थे, उनमें से बास जैसे ही जंग शुरू हुई, वो निकल के जाके भारत की फ़ौज के साथ मिल गए। उन्होंने क्रॉस कर लिया, वो जो डिफेंसेस थे उनको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए और उधर जाके हाथ खड़े किए। उनको बताया कि हम बंगालीज हैं, हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम गद्दारी करेंगे। वो उनको वेलकम किया गया और उन्होंने फिर सारा बताया कि कहाँ क्या हथियार लगे हुए हैं पाकिस्तान के, किस जगह को आपने न्यूट्रलाइज करना है तो तब आप आगे गुजर सकते हैं, माइंस में कहाँ रास्ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मन को उन्होंने पहुँचा दी। सो जब वो चले गए और उन्होंने सब ये इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उसके बाद से हम फौरी तौर पे एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे थे। हमारा एक 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 तरह से हम कमतर हो गए, क्योंकि हमारे जंगी राज, हमारे हथियारों के, वेपन्स वगैरह चीज़ों के, ये अब हमारे दुश्मन को पता थे। चुनाचे फौरी तौर पे हमला होता है। मैं एक्सप्लेन करूं कि छोर से, जहाँ सिंध में हम थे, छोर मीरपुर खास से आगे इलाका है, छोर से इंडियन बॉर्डर तक खोखरा पार का इलाका है, बॉर्डर सिटी जो है, वो टाउन है जो वहाँ पे रेलवे लाइन जाती है, और रेलवे लाइन के साथ ही कच्चा ट्रैक था जिसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह चलती। रेलवे लाइन की राइट साइड पे, हमने रेलवे लाइन को सेंटर में रख के तो दफा लिया हुआ, रेलवे लाइन की राइट साइड पे रेत के टीले थे, जिनमें सबसे ऊंचा टीला वो 200 फुट ऊंचा, उसको 200 R रिलेटिव हाइट के तौर पे कहते हैं कि जिसकी रिलेटिव हाइट बाकी ज़मीन से 200 फुट ऊंची है। ज़्यादा 200 फुट ऊपर आप जाके जब बैठे तो बड़ी दूर तक निगाह जाती। तो सबसे पहले तो वो मेजर मनान इंडियन आर्मी को गाइड करके वहाँ लेके आया, और उस 200 R को पीछे से, यानी उसको बजाय ऊपर चढ़ने के, उसको एनसर्कल करके पीछे से वो हमलावर हुए। और जो लोग ख़ास तौर पे उस 200 R के पीछे बैठे रात को रिलैक्स कर रहे थे, उनको वहाँ पे गोलियाँ मार के मार दिया गया। सो ये बलूच रेजिमेंट की हमारी एक बटालियन थी, जिसमें एक ही रात को कुछ 30 के करीब कैजुलटीज हुई, लोग शहीद हुए, और वो जो 200 R की पोजीशन थी वो दुश्मन के हाथ में चली गई। अब खतरा ये था कि इससे आगे आए, लेकिन बारसूरत आगे डिफेंसेस थे। इसी तरह रेलवे लाइन के लेफ्ट साइड पे एक लंबी रिज थी, टीला था रेत का, उसको 125 R यानी 125 फुट वो ऊंची थी बाकी जमीन से रिलेटिव हाइट। तो अगली रात उस पे हमला आया। हमारे जवान वहाँ पे, फ्रंटियर फोर्स की एक कंपनी थी, एक हवालदार इकबाल नाम का आदमी जो खड़ा रहा वहाँ पे, बाकी कुछ कैजुअलिटीज हुई, और मशीन गनर था वो, और उसके साथ मैं था, मेरा सूबेदार मेहदी खान वो था मौजूद।
हमने मैं चूंकि मेरे गन्स थी, मेरी मेरा चूंकि आम आर्टिलरी था, लिहाजा हमने उन अटैकर्स के ऊपर फायरिंग करवानी शुरू की गन्स की। एक तरफ मशीन गनर इकबाल, वो मशीन गन फायर कर रहा है और किसी की मजाल नहीं कि वो डिफेंसेस को कांटेक्ट करे या आगे गुजरे। भारतीयों की लाशों के ढेर वहाँ पड़े, जख्मी भी कुछ लोग थे, कुछ वैसे थे जो हथियार फेंक गए। तो 5-6 घंटे की या 10-8 घंटे की लड़ाई के बाद जब हमें पता लग गया कि मुकम्मल तौर पे सफाया हो गया और ये अटैक ख़त्म हो गया, तो फिर वो जिन्होंने हथियार फेंक के उनको अरेस्ट किया, जो ज़ख्मी थे उनको फटाफट वहाँ से इवैक्यूएट किया। उस वक्त सोल्जर्स की इनकी हालत ये थी कि बड़ी सीधी सी बात है, जब आप दुश्मन की कैप्टिविटी में चले जाते हैं, हमारे अभी कब्जे में आ गए, तो मुराल तो डाउन होता है ना उस वक्त, इंसान के हौसले पस्त होते हैं। लेकिन उनके पस्त हौसलों के साथ एक चीज़ और थी कि उस वक्त की भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को वो गालियाँ निकाल रहे थे, उनमें सिख थे जो लगातार ये कह रहे थे कि इस हरामखोर औरत ने हमें मरवाया, ये इधर चढ़ा दिया इसने, वरना हम अमन से बैठे थे। ये सूरत हाल वहाँ पे हुई। अब यह अटैक नाकाम हो गया, कैदी पकड़े गए, उनको हैंडकफ वगैरह करके हमने आगे पहुँचा दिया, क्योंकि कैदी जो है वो पीछे उनके उनको अरेस्ट करके, तो उनको नेचुरली प्रॉपर उनको लॉज करना होता है किसी जगह पे जहाँ सिक्योर वगैरह किया जा सके उनको। अगले दिन सुबह ही मैंने ये सारी जो तफसील इस अटैक की, ये चीज़ें वगैरह डिस्कस करनी थी, बताना था जो ज़ख्मी हुए या जो भी हमारी आगे रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये रिप्लेनिशमेंट चाहिए, तो मैं जीप में बैठ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ गया। जैसे ही मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट से देखा कि भारतीय टैंकों का हमला रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहा है, और जहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो पीछे दरख्तों का झुंड था, उसमें था, उसके ऊपर इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो धड़ाधड़ स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। बहरसूरत मैंने गाड़ी एक दरख्त के नीचे रोकी और फौरन अपनी रेजिमेंट को हुक्म दिया कि वो अपनी गन्स तैयार करें, और उनको डायरेक्शन दी, डेटा पास किया और टैंकों के ऊपर फायरिंग करवाई। वो आज भी उस रेजिमेंट की हिस्ट्री में, हिस्ट्री बुक में ये लिखा हुआ है, ये फायरिंग का, क्योंकि मैंने चलते हुए कराई, तो मैं बड़े जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्स होते हैं टेक्निकल, वो मैंने दे सका, और मैंने मॉडिफाइड किस्म के ऑर्डर्स दिए कि ये फला जगह है, ऐसे ऐसे ये करो। तो गन्स की जब फायरिंग आई, टैंक्स को एक तो गोले हिट हुए, तो वो अटैक ख़त्म, क्योंकि वो फौरन भागे वापस, टैंक उन्होंने मोड़े और भाग के तो पीछे पना ली जाके उन्होंने सैंड ड्यून्स में। अटैक फिजल आउट हो गया, लेकिन जहाज़ डैमेज कर गया। जब मैं पहुंचा वहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तो उस वक्त वहां पे मैंने देखा, आप जानते होंगे जनरल के एम अजहर होते थे जो कि उस वक्त यहीं खान गवर्नमेंट में, वो खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद उस वक्त कहते थे, उसके गवर्नर थे। लेकिन उनको हुक्म मिला वहाँ से कि आप गवर्नर तो हैं लेकिन आप यहाँ जाए इस सेक्टर में, क्योंकि 1965 की जंग में इस सेक्टर में उन्होंने जंग लड़ी हुई थी और इस सेक्टर से बड़ी अच्छी तरह वाकफ थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाएँ, जाके उनको हुक्म मिला GHQ से कि आप जाएँ और छोर सेक्टर में जाके वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर को एडवाइस करें कि यहाँ पे इस सेक्टर में कैसे जंग आगे बढ़ानी है। एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रैफिंग थी उसमें वो गवर्नर भी जख्मी हुए पड़े थे, उनके टांग में लगी थी लेकिन वो खड़े थे, गोली टांग में थी, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त मूड में और अग्रेसिव बहादुर आदमी थे, खड़े थे, और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को गर्दन में गोली लगी हुई थी। मेजर थे उस वक्त, मेजर सरफराज, जो बाद में मेजर जनरल बने, बड़े अच्छे आदमी थे। उनको बारसूरत ज़मीन पे कुछ चीज़ बिछा के, तो उस पर लिटाया हुआ था, और गर्दन पे वो बैंडेज वगैरह की हुई थी कि ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। और उसके बाद एम्बुलेंस, जैसे ही अटैक ख़त्म हुआ, जहाज़ों का एम्बुलेंस मंगवाई और उसके बाद वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया हॉस्पिटल।
ये भारतीयों का लास्ट अटैक था। उसके बाद गन्स जो थी वो हर वक्त तैयार रहती थी, थोड़ी सी भी हिलजुल होती थी धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते थे गन्स की, और उससे नेचुरली उनके दिल दहलते होंगे क्योंकि मैंने नहीं देखा कि उसके बाद उन्होंने कोई भी अग्रेसिव एक्शन किया। 200 R उनके पास चले गई, उन्होंने कैप्चर की। भारतीय अगर मेरी ये सुन रहे हों तो वहाँ पे जो उनके कंपनी कमांडर थे जिनसे कभी कभार बाद में सीज फायर के बाद बाज़ात कोई एक्सचेंज की, कैदी वगैरह एक्सचेंज किया तो उससे बातचीत होती थी, मेजर आलू सिंह नाम था, आलू सिंह, जो कि वहाँ पे 200 R पे उनको रिप्रेजेंट करते थे और इधर मैं था। तो इस तरह ये यानी 9-10 दिन के बाद एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी वगैरह तो होती थी, लेकिन भारतीय अटैक ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने उसके बाद हिम्मत नहीं की कि वो कोई इलाका कब्जा करने की कोशिश करें। उमरकोट की तरफ एक अटैक उन्होंने किया था, वो मद्रास बटालियन थी, लेकिन वो उसी रात हमने काउंटर अटैक किया तो सारी बटालियन भाग गई, बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके, तकरीबन सारा सामान वो बटालियन छोड़ के गई थी मद्रास बटालियन। और फिर आप कह लीजिए कि 16 दिसंबर तक वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये मुख्तसर सा अहवाल था 1971 के छोर सेक्टर का। आइंदा वीडियोस में मज़ीद नैसट का या किसी और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका जिक्र करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।